हाँ बाबा। पापा। क्या हुआ बेटा? पापा और बाबा जाते ना। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बेटा तू घर चल, मैं बाबा लेकर आता हूँ। मालकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, मिल जाएंगे क्या? अभी तुम्हें काम पर एक घंटे भी नहीं हुए आए और तुम्हें पैसे लगे जाने नहीं मिलेगा, चलो जाओ यहाँ से। साहब मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, बेटी के लिए बब्बा लेकर जाना है, उसके बदले मैं आपकी कार साफ कर दूंगा। ठीक है साफ कर दो। साहब कार साफ हो गई, पैसे दे दीजिए। मैं पापा को भाई लड्डू, ये देखो ये मेरे पापा है, ये मेरे पापा है। चाको पापा हूँ पापा। मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। नहीं बाहर खेलने नहीं जाना है। नहीं जाना है। अरे बेटा सुनो। और ये लड़की भी ना किसी का सुनती नहीं है। हे कान्हा जी मेरे बेटे की रक्षा करिएगा। सुबह से शाम हो गई, लड्डू अभी तक नहीं आई, मैं क्या करूँ? बेटा तू आ गई, कहाँ रह गई थी? अरे ये मेरी गाड़ी को क्या हो गया? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? यहाँ करना जी, अच्छा करो। बेटा तू ठीक तो है ना? धन्यवाद कान्हा जी। बहन तुम खेलो, मैं कान्हा जी की पूजा करके आता हूँ। अरे बाप रे बाप, ये देखो अपने पागल बहन को मेरे सर पे छोड़ के जा रहा है पूजा करने की घूमने। छोटी माँ मुझे घूमने का कोई शौक नहीं, मैं पूजा करने जाता हूँ ताकि मेरी बहन ठीक हो जाए। बहुत आया पूजा करने, अपने कान्हा जी को बोलना तेरी बहन को ठीक कर दे। हे कान्हा जी मैं कई सालों से आपके मंदिर में आ रहा हूँ लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, आज आपको मेरी बहन को ठीक करना ही होगा। मैं तुम्हें जादुई नारियल देता हूँ, उसे ले जाकर अपनी बेटी को खिला देना, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। जय श्री कृष्णा। बहन ये लो खा लो। पिया? अरे बहन तू तो बोलने लगी, तू तो ठीक हो गई। अरे इसकी पागल बहन तो ठीक हो गई। हे कान्हा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। ये सब कान्हा जी की महिमा है। जय श्री कृष्ण। पैसे में तो माखन हो जाएगा। अरे सुनो ये मेरे मेहनत के पैसे लेकर ठुमकते हुए कहाँ चल दी? सुनिए जी मैं कान्हा जी को खाने के लिए जा रही हूँ बाजार से माखन लेने। चल दे मेरे पैसे, बहुत आई कान्हा को माखन खिलाने वाली, अब चल निकल। अब मैं कान्हा जी को माखन कैसे खिलाऊंगी? आज मेरे कान्हा भूखे ही रह जाएंगे। कान्हा कान्हा जी आप? मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, मुझे माखन नहीं खिलाओगी? मुझे माफ कर दीजिए कान्हा जी, आपको माखन खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास में तो ढेर सारे पैसे हैं। हाँ इतने सारे पैसे? कान्हा जी आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए माखन लेकर आती हूँ। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी के भक्त एक लाइक जरूर करें।